हेलो फ्रेंड्स, सो वी आर बैक विद द वीडियोज ऑफ क्लास 11th मैथमेटिक्स एंड इन द लास्ट वीडियो वी डिस्कस्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ फंक्शन एंड इट्स टाइप्स एंड हाउ टू फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ दिस गिवन फंक्शंस. सो इन दिस वीडियो विल टॉक अबाउट द नेक्स्ट चैप्टर विच इज द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस. सो इन 10th क्लास ओनली वी हैव डिस्कस्ड जी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड वी अंडरस्टैंड कि हमने राइट एंगल ट्राइंगल लिया था एंड विद द हेल्प ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल एंड टेकिंग अ रेफरेंस एंगल वी डिफाइंड सिक्स टाइप्स ऑफ रेशियोज इफ यू रिमेंबर राइट. साइन कॉस टैन कॉसेक सेकेंड कॉट राइट एंड देयर पर्टिकुलर वे ऑफ राइटिंग कि पी बाय एच है या बी बाय एच है और पी बाय बी एंड सो ऑन. बट देवर रेशियोज एक्चुअली राइट देवर treated as ratios, that's why we called them as trigonometric ratios. But now the same thing is getting converted into a function. We'll understand how they are functions, because abhi humne function samjha na. But before that we will be understanding the concept of angle and its related units, right? So what is an angle? How we define an angle? So suppose there is a ray which is fixed at this point. Suppose OA is a ray, it is fixed at this point, it is free to rotate in this plane. So I can rotate it like this way, anti-clockwise I can rotate, correct? Similarly I can go for clockwise rotation also. So how do I define angle then? Angle is defined as the degree of rotation of a ray, measure of degree of rotation of a ray, ki ek ray kitna rotate kar rahi hai, kam rotate kar rahi hai ya zyada rotate kar rahi hai, ye uska ek measure hai naapne ka. सपोज इफ दिस इज लेट्स से 30 डिग्री एंड दिस इज 45 डिग्री, सो ऑब्वियसली इसका डिग्री ऑफ रोटेशन ज्यादा है इसके कंपैरिजन में, राइट? एंड एंटी क्लॉकवाइज रोटेशंस आर कन्वेंशनली रिगार्डेड एज पॉजिटिव एंड क्लॉकवाइज रोटेशंस आर कन्वेंशनली रिगार्डेड एज नेगेटिव. तो सपोज अगर आप कोई नेगेटिव एंगल आप देखें, सपोज माइनस 30 डिग्री, तो सरप्राइज नहीं कीजिएगा बिकॉज इट इज सिंपली टेलिंग यू दैट दी एंगल इज दी क्लॉकवाइज एंगल, सिंपली नथिंग एल्स. मेजर सेम है लेकिन खाली क्लॉकवाइज वो रोटेट कर रखा है रे को. सो वी नो कि अगर मैं कंप्लीट रोटेशन देता हूं किसी रे को कंप्लीट रोटेशन देता हूं, तो कंप्लीट रोटेशन में कितना डिग्री कवर कर लेगी? 360 डिग्री, राइट? हाफ रोटेशन में 180 डिग्री एंड सो ऑन. सो नाउ वी कैन मूव टुवर्ड्स द यूनिट्स ऑफ एंगल. अगर हमें मेजर करना है तो किन किन यूनिट्स में हम मेजर कर सकते हैं एंगल को? सो फर्स्ट वी हैव डिग्री, इट इज अ प्रैक्टिकल एंड कमर्शियल यूनिट ऑल्सो. सो दिस ऑल मेजर्स आई हैव रिटन हियर आर इन डिग्रीज ओनली, 30 डिग्री, 45 डिग्री एंड सो ऑन. एंड वी नो इट ऑलरेडी बिकॉज हम 10th क्लास से डिग्रीज में वर्कआउट कर रहे हैं ऑलरेडी, राइट? वी हैव सेंस ऑफ डिग्री ऑलरेडी. बट वी हैव अ साइंटिफिक यूनिट ऑल्सो विच इज कॉल्ड एज रेडियन. रेडियन को हम रैड से भी लिखते हैं, समटाइम्स वी राइट इट एज सी लिख देते हैं सुपर स्क्रिप्ट में, इन सम टेक्स्ट बुक सी से भी डिनोट करते हैं रेडियन. दिस इज ऑल्सो द यूनिट ऑफ एंगल ओनली. एंड वट इज द रिलेशनशिप बिटवीन टू? रिलेशनशिप इज 360 डिग्री इज इक्वल्स टू 2 pi radian, वेयर ऑब्वियसली द पाई इज सेम 22/7. एंड इफ आई सिंप्लीफाई इट लोएस्ट टर्म में देखता हूं तो 180 डिग्री बिकम्स पाई रेडियन. This is the relationship जो मेरे को काम आएगा radian to degree या degree to radian में जाने के लिए, obviously. तो मैं अगर यहां से factor develop करता हूं तो आप देखेंगे 1 degree will become pi by 180 radian, correct? है ना, 180 को नीचे ले गया, 1 degree is pi by 180. तो suppose अगर मेरे को 30 degree का निकालना है तो I will multiply this by 30, right? So 30 degree का इक्विवेलेंट रेडियन कितना आ जाएगा? पाई बाय 6. इफ यू सी, आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिए एंड आंसर्स ऑब्वियसली आपको पाई में ही छोड़ने हैं बिकॉज रेडियंस आर एक्सप्रेस्ड इन पाई ओनली. सो 30 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई बाय 6 रेडियन. सिमिलरली अगर आपको रेडियन टू डिग्री जाना है सो 1 रेडियन विल बिकम वॉट? 180 बाय पाई डिग्रीज, राइट? सो दिस इज हाउ यू कैन गो फर्दर. द डिग्री इज स्प्लिटेड इन टू सम स्मॉलर यूनिट्स ऑफ एंगल लाइक मिनट्स एंड सेकेंड्स,
ये स्मॉलर यूनिट्स हैं, डिग्री से हम मिनट्स में और सेकंड्स में जा सकते हैं। रिलेशनशिप क्या है, 1 डिग्री इज इक्वल्स टू 60 मिनट्स। ये मिनट्स यहाँ पे टाइम की यूनिट नहीं है, दिस इज द यूनिट ऑफ एंगल एंड सिग्निफाइड बाय डैश, सो दिस इज मिनट, एंड 1 मिनट इज इक्वल्स टू 60 सेकेंड्स। सो ऑब्वियसली वी हैव 1 डिग्री इज इक्वल्स टू 3600 सेकेंड्स, राइट। सो दिस इज हाउ यू कैन कन्वर्ट द होल एक्सप्रेशन ऑफ डिग्री इंटू मिनट्स एंड सेकेंड्स ऑल्सो। सपोज आपको रेडियन दे रखा है, सो ऑब्वियसली यू कैन कन्वर्ट इट इंटू मिनट्स एंड सेकेंड्स, राइट। मोर ओवर वी हैव द रिलेशन बिटवीन थीटा, लेंथ ऑफ द आर्क एंड रेडियस ऑल्सो, इट इज अ वेरी पॉपुलर रिलेशनशिप। सपोज अगर मेरे पास ये एक किसी सर्कल का एक आर्क है, सपोज दिस इज द आर्क, दिस इज द सेंटर एंड दिस इज द एंगल बिटवीन द टू रेडियाई। ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ, इफ यू रिमेंबर, है ना, एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स में डन दिस, इफ यू रिमेंबर दिस काइंड ऑफ डायग्राम्स, सेक्टर कहलाता था, है ना, सेम फिगर है, इतना हिस्से को मैंने काट के यहां लिख दिया। सो वट इज द रिलेशनशिप बिटवीन दीज थ्री पैरामीटर्स, थीटा इज ऑलवेज इक्वल्स टू एल अपॉन आर, थीटा इज इक्वल्स टू एल अपॉन आर, वेयर बोथ आर टेकन इन द सेम यूनिट्स, इधर इन मीटर और सेंटीमीटर, वट एवर इज द गिवन थिंग, लेना सेम में है। एंड अगर सेम में होगा दोनों, तो जो भी आपका थीटा निकलेगा वो पहले रेडियन में निकलेगा, याद रखिएगा, इट विल कम आउट टू बी इन रेडियन जब भी आप दोनों को डिवाइड करेंगे, एंड देन यू कैन कन्वर्ट इट इनटू डिग्री बाय द फैक्टर, ये रहा 180 बाय पाई डिग्री, राइट। सो इन कॉन्सेप्ट्स के बेसिस पे यू कैन ट्राई डूइंग द फर्स्ट एक्सरसाइज ऑफ द ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर 3.1, उसके एग्जांपल्स आप ट्राई करें, फर्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चंस ट्राई करें। सो इफ यू गेट एनी डाउट्स यू कैन कम टू द ऑनलाइन क्लासेस अगेन, सो प्लीज प्रिपेयर साइमल्टेनियसली फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशंस ऑल्सो, and don't miss your classes, follow these videos also and complete your work, be happy, take care of yourself and thank you.